So student, once again I welcome you in online WhatsApp classes, Jan Seva Inter College, Pulwari Sonbhadra. It is English Prose, Class 12, Chapter 2, A Fellow Traveller, and author name is A.G. Gardiner. It is Part 7, student. तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से एजी गार्डिनर, जिनको कि एक साधारण सा मॉस्किटो परेशान कर रखा था और उस मॉस्किटो को उन्होंने फ्रेंड कह कर के पुकारा था, पहले एक दो बार मारने का प्रयास किया, बाद में सफलता हाथ नहीं लगी और उनको लगा कि कहीं न कहीं मेरा इंसल्ट हुआ है, फिर मृत्युदंड के सजा को वापस लेते हैं, टाल देते हैं और उदार बन जाते हैं। और इसके बाद जब अखबार पढ़ रहे थे तो पुनः वह मॉस्किटो आया और अखबार के पन्नों पर बैठ गया। लेखक ने सोचा कि यदि मैं चाहता तो तुम्हें मसल देता इन अखबार के पेजों के बीच, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हें क्षमा कर दिया हूँ और यह प्राणी यानी मैं जो कहता हूँ उसे कर भी देता हूँ। और देखो, हम और तुम सहयात्री हैं, मैंने तुम्हारे में रुचि रखी और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, और मौलिक तथ्य तो ये है कि हम एक मरणशील साथी हैं, फेलो मॉर्टल हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू। मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। हम लोगों के जो जीवन है, हमारे जीवन के जो आश्चर्य हैं, मिरेकल हैं और इसके जो रहस्य हैं, यह एक जैसे हैं, कॉमन हैं, एक जैसे हैं। यहाँ से चेक करें, आई सपोज यू हैव यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी। मैं मानता हूँ कि तुम अपनी यात्रा के बारे में नहीं जानते हो। आई सपोज यू डू नॉट नो एनी थिंग अबाउट योर जर्नी। मैं ये मानता हूँ कि तुम अपने यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। आई एम नॉट सो श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। यहाँ पर आथर बता रहे हैं कि आई एम नॉट श्योर, मैं भी विश्वस्त नहीं हूँ कि आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं भी अपने यात्रा के बारे में, जर्नी के बारे में कुछ जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तविक में हैं। व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, यदि तुम सोचो, तुम यह जान लो, सोचो तो हम दोनों वास्तविक हैं। ए गुड डील एलाइक, जस्ट ए गुड डील एलाइक, यदि तुम इस चीज़ को थिंक करो, सोच लो तो हम लोग वास्तविक में एक जैसे हैं। एक गुड डील लाइक माने अत्यधिक या अत्यधिक रूप से एक समान ही हैं, लाइक हैं। जस्ट ए परसन दैट आर एंड देन आर नॉट, हम तो मात्र एक छाया हैं। जस्ट ए परसन, परसन मीन्स छाया, ए परसन दैट आर एंड दैट आर नॉट, कि अभी हैं और अभी नहीं रहेंगे, ए कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हम काफ़ी हद तक एक समान हैं। तुम भी अपनी यात्रा के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हो, न तो मैं ही जानता हूँ, और दोनों का जीवन एक जैसा है। हम छाया मात्र हैं, कब रहेंगे कब नहीं। आगे देखें, कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरिएज, ए अंधेरे से निकल करके हम
इस प्रकाशित रेलगाड़ी के डिब्बे में प्रवेश करते हैं, कमिंग आउट ऑफ द नाइट इन टू द लाइटेड कैरिएज, यानी कि अंधेरे से आकर के, अंधेरे से बाहर आकर हम इस प्रकाशित रेल के डिब्बे में जाते हैं, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ व्हाइल, और बल्ब के आसपास फड़फड़ाते हैं, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, उस लैम्प यानी बत्ती बल्ब के आसपास फड़फड़ाते हैं फॉर अ व्हाइल कुछ समय के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से दूसरी बार हम अंधेरे में चले जाते हैं, संभवतः या परहैप्स मीन्स संभवतः या शायद। तो लेखक ने स्पष्ट कर दिया कि काफ़ी हद तक हम एक जैसे हैं, हमारा भी जीवन वैसा ही है तुम जैसा कि तुम्हारा, और कब हम हैं और कब नहीं रहेंगे, और हम अंधेरे से निकल करके इस प्रकाशित रेल की डिब्बे में आते हैं और बल्ब के आसपास फड़फड़ाते हैं जैसे तुम, और मेरा भी जीवन वैसा ही है, और हम फिर रात्रि में चले जाते हैं। नेक्स्ट चेक करें। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉयस एट द विंडो। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड ए वॉयस एट द विंडो। खिड़की के पास एक आवाज़ आती है कि महोदय, गोइंग ऑन टू नाइट, सेड ए वॉयस एट द विंडो। खिड़की के पास एक व्यक्ति बोलता है कि क्या आज रात को आप कहीं जा रहे हैं महोदय? ये कोई बोलता है, क्या आप आज रात को कहीं और जा रहे हैं श्रीमन? ये कोई बोलता है स्टेशन के पास। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह एक दोस्त कुली था मेरा, गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, और वह मुझे संकेत दे रहा था कि मेरा स्टेशन यही है महोदय, आप और कहीं मत जाइए, यहीं आपका स्टेशन है, मुझे एक संकेत दे रहा था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, एंड बोला सेड आई मस्ट हैव बीन डजिंग, मैं काफ़ी उघ गया हूँगा, मैं काफ़ी उघ गया हूँगा, यानी कि एक निद्रा की भाषा बोलते हैं डजिंग, उघना, एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, मैं सीजिंग मीन्स पकड़ करके अपने टोपी को और छड़ी को, आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, मैं उस ग्रीष्मकालीन रात के शीत रात में निकल पड़ा। आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट, ग्रीष्मकालीन शीत रात्रि में, शीतल रात्रि में मैं निकल गया अपनी टोपी और छड़ी को पकड़ते हुए। एज आई क्लोज्ड द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैं रेलगाड़ी के डिब्बे के डोर को, दरवाजे को क्लोज्ड मैंने बंद किया, तो आई सा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, तो मैंने देखा कि मेरा जो सहयात्री था वह उस रेलगाड़ी के डिब्बे में बल्ब के आसपास फ्लटरिंग माने फड़फड़ा रहा था। तो स्टूडेंट, ए फेलो ट्रेवलर का ये आशय है, इसको रिपीट कर लीजिएगा, सारे के सारे वीडियो को आप अच्छे से पढ़ लें, जान लें, आशय को समझ लें, तभी आप इसके क्वेश्चन आंसर को दे सकेंगे और एक्सप्लेन विथ रिफरेंस कर सकेंगे। तो स्टूडेंट, एक्सप्लेन विथ रिफरेंस होते हैं जिनमें आपको पहचान करना पड़ता है कि किस चैप्टर के हैं और उसके लेखक के हैं, पहचान के बाद आप लिख पाएंगे रिफरेंस से कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ए फेलो ट्रेवलर राइटन बाय ए जी गार्डिनर। इसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि इस पैसेज में क्या कहा गया है और एक्सप्लेन विथ करेंगे एक्सप्लेनेशन। और इन चैप्टरों से एक 60 क्वेश्चंस जो कि आपको बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, 2 अंक के, और साथ ही एक फिलिंग दी ब्लैंक्स आता है इस प्रकार से, जो कि आपके पैसेज से ही भरना पड़ेगा, अपने मन से आप नहीं भर सकते, जो पढ़े हैं गद्यांशों में वही चीज़ भर पाएंगे।
यहाँ पर देखिए फिलिंग दी ब्लैंक्स पहला है, आई डू नॉट नो व्हिच ऑफ अस गॉट इनटू द फर्स्ट, मैं नहीं जानता कि रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले कौन चढ़ा था। यहाँ पर देखेंगे कैरिएज करेज कैटरीच एंड कॉटेज, अब क्या पढ़े हैं कैरिएज, यहाँ पर कैरिएज भरना है। नेक्स्ट ये देखें आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन यू, लेकिन मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, रिप्रीव सजा को टाल सकता हूँ, रिप्रीव भरा जाएगा, ये सब नहीं भरना, रिप्रीव पढ़े हैं उसमें। नेक्स्ट इट इज़ लाइबिलिटी एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीएबल फार्म, यहाँ पर एग्रीएबल भरेंगे जो कि पढ़े हैं। ही प्लेड खाली स्थान मी ओपनली, अब ये वर्ड हैं इनमें से जो आपका सेंटेंस बैठेगा विथ बैठेगा, ही प्लेड विथ मी ओपनली, आप देखेंगे तो वहीं रहेगा इसमें विथ। नेक्स्ट जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट इट, अदालत क्या करती है इसे, अवार्ड्स देती है, अवार्ड्स भरेंगे अवार्ड्स, और ये सब नहीं। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, जो श्रेष्ठता की भावना थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, कमिंग फेडिंग साइनिंग, क्या पढ़े हैं फेडिंग। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लें और कंप्लीट। सो इट्स इन टूडे,